आज हम बात करेंगे दिवाली की। दिवाली पर हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, हम गणेश पूजन करते हैं और हम बहुत खुश होते हैं कि हमने अपने घर में, हम पूजा में लगे होते हैं, हम अपने घर को सजाने में लगे होते हैं। तो दिवाली पर हम कोई नहीं मानता है कि ये भगवान हमारी सभी विशेष पूरी करना, हमारी सभी इच्छाओं को आप पूरा करना। ठीक है, हम अपने एंड पे बहुत कुछ भगवान जी से मांगते हैं, बट हम ये भी जानते हैं कि भगवान जी हमें वही देते हैं जो हमारे लिए बेस्ट है, जो एक्चुअल में हमें चाहिए हमारी लाइफ को सर्वाइव कराने में। हमारे लिए जो खुशियाँ लाएगा वो चीज़ें भगवान जी हमें खुद ही देते हैं। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि इस दिवाली पर हमें क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, किस रूप में ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, हमारे घर में किस तरह की खुशियाँ आने वाली हैं। यहाँ पर मैंने 5 ग्रुप सिलेक्ट किए हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5। इन 5 ग्रुप में से आपने एक ग्रुप सिलेक्ट करना है और उस ग्रुप के फीचर्स को बहुत ध्यान से देखना है और सुनना है। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो कार्ड्स बता रहे हैं क्या उसी तरीके की ब्लेसिंग्स आप अपनी लाइफ में आते हुए देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सारे कार्ड्स। आज हमने सिलेक्ट नहीं किए हैं, 2 कार्ड सिलेक्ट किए हैं, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ कप्स। देखिए, जहां पर क्वीन आ जाता है इट शोज फर्टिलिटी एंड ये हमें शो करता है मदरली अफेक्शन। टेम्परेंस हमें शो करता है कि धीरे धीरे चीजें हमारी बैलेंस्ड हो रही हैं। तो इस दिवाली पर आपको भगवान से आशीर्वाद के रूप में क्या मिल रहा है, इट्स रियली अमेजिंग। आपके घर में जल्दी कोई खुशखबरी आने वाली है, किसी छोटे से नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे का जन्म होने वाला है। आपकी लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि आपके बच्चे शायद कहीं बाहर गए हुए हों, मे बी कंट्री के बाहर या कहीं दूर, और वो आपके पास वापस कुछ समय के लिए लौट आए या हो सकता है परमानेंट। क्वीन ऑफ कप्स आपकी लाइफ में ब्लेसिंग के रूप में बच्चों का सुख, संतान का सुख ला रहा है और ऐसी आपकी इमोशनल ख्वाहिशें जो छोटी छोटी सी होती हैं। बहुत बार हमें सिर्फ कोई यही पूछ ले कि आप कैसे हो, क्या मैं आपकी बात सुन लूँ, या वो जो इमोशनल टच हमें चाहिए होता है, इस दिवाली पर आपको आशीर्वाद के रूप में मिलने वाला है कि हाँ, अब भगवान जी को ये मालूम चल गया कि आपने अपनी लाइफ में अगर कोई स्ट्रगल देखा भी है तो वो वाइंड अप होने वाला है। बेसिकली इमोशनली रिलैक्सेशन अब आपकी लाइफ में आने वाला है। इमोशनल लेवल पर आप खुश रहने वाले हैं, आपको प्यार, आपकी लाइफ में केयर, आपकी लाइफ में वो हिस्सा जहाँ आप प्यार को तरसते थे या आपको ऐसा लगता था कि मुझे और इमोशंस की और ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो मेरे साथ एक्चुअल में जुड़े, तो वो समय अब आ गया है और ईश्वर आपको आशीर्वाद के रूप में इमोशनल सेटिस्फेक्शन देने वाले हैं। टेम्परेंस कार्ड दिखाता है कि आपको आपकी लाइफ में ब्लेसिंग के रूप में उतना अवेयरनेस और उतना पेशेंस मिलने वाला है कि अब आपको ये समझ आ जाएगा कि मुझे किस सिचुएशन में कैसे डील करना है। आपकी लाइफ में सुख और शांति आने वाली है, आपको मेंटल पीस मिलने वाला है, आपके रिश्तों में सुधार होने वाला है, आपके हार्ट चक्रा को हम रिलेट करते हैं कि हमारे संबंध दूसरे लोगों से कैसे हैं, हमारे अपने पड़ोस में संबंध कैसे हैं, हमारे रिलेशनशिप्स आपस में हस्बैंड वाइफ के कैसे हैं, हमारे फैमिली में रिलेशनशिप्स कैसे हैं। तो इन और हर तरह के रिलेशनशिप्स में आपको इमोशनली बैलेंस, इमोशनली सेटिस्फेक्शन, इमोशनली कंप्लीटनेस। Cards are 5 of cups and
जस्टिस, जस्टिस हमारा मेजर आर्कना कार्ड है। फाइव ऑफ कप्स हमारा सूट ऑफ कप्स का कार्ड है। फाइव ऑफ कप्स इंडिकेट कर रहा है बहुत बार हमारी लाइफ में ऐसी मोमेंट्स आती हैं जब हम शैटर्ड हो जाते हैं, हमें सब कुछ खत्म हुआ सा लगता है, पर अब आपकी लाइफ में एज अ ब्लेसिंग क्या आने वाला है? जस्टिस, न्याय। एक्चुअल में अगर आपने अच्छे कर्मास किए हैं और आपको ऐसा लगता है यार मैंने इतने अच्छे कर्म किए, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी का नुकसान नहीं किया, स्टिल मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तो अब वो वक्त आ गया है, ईश्वर आपको ब्लेस कर रहा है, देवी माँ आपको, लक्ष्मी माँ आपको ब्लेस कर रही है कि आपको आपके अच्छे कर्मास का पूरा पूरा फल मिलने वाला है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी तरफ से अब आपका ध्यान हटने वाला है, न्यू अपॉर्चुनिटीज की तरफ अब आप देखने वाले हैं, नए रास्ते आपको मिलेंगे, आपके आपका अंदर लोगों का जो आपको सपोर्ट पहले मिलना चाहिए था बट शायद नहीं मिला, आपने थोड़ा लोनलीनेस फील किया, आपको किसी भी एंड पर किसी भी तरीके का जो सपोर्ट चाहिए था वो अब आपको धीरे धीरे मिलने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके कर्मा अच्छे थे, तो जितने आपने अच्छे कर्मा किए हैं उतना फल आपको डेफिनेटली मिलने वाला है, वो भगवान आपसे छीनने वाले हैं। वैसे भी कहते हैं ना कि जो हमारी किस्मत में है वो हमसे कोई नहीं छीन सकता, तो एग्जैक्टली एज अ ब्लेसिंग अब आपके साथ यही होने वाला है कि जो आपका है वो आपको ही मिलेगा, उसके लिए आपने जितना परेशान होना था अब वो अंत हो गया उस परेशानी। इंडिकेट करता है कि आपको एज अ ब्लेसिंग आपको ऐसे लोगों से छुटकारा मिलने वाला है जो आपको डोमिनेट करते आए हैं, जिन्होंने आपको कभी रिस्पेक्ट नहीं किया, जिन्होंने आपकी वैल्यू नहीं करी, जिन्होंने आपको कभी कुछ समझा ही नहीं, बेसिकली आपने कुछ भी किया उनके लिए बट एंड ऑफ द डे आपको ऐसा लगा कि उन्होंने तो मुझे यूज कर लिया, तो आपके जो स्ट्रगल वाला पीरियड था वो खत्म है, तो आपको एज अ ब्लेसिंग क्या मिलने वाला है कि अब कमांड आपके हाथ में आने वाले हैं, जो लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे अब उनके ऊपर आप रूल करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिकल बनना सीख लिया है, तो एज अ ब्लेसिंग यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है कि हाँ भाई अब आप प्रैक्टिकल बन गए हो और जो रास्ता मैं दिखा रहा हूँ आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने का, थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच रखने का वो आप रखेंगे। द हर्मिट शो कर रहा है कि दूर की प्लानिंग कर धीरे 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 आप अपने नॉलेज का, अपने एक्सपीरियंस का अब आप यूज करने वाले हैं, क्योंकि लाइफ में जब हम बहुत हार्डशिप देख लेते हैं, बहुत परेशानियाँ देख लेते हैं, तब हम एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं ना, हमें मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाता है कि हाँ अब हमें मालूम है इस तरीके की सिचुएशन आएगा तो हमें कैसे डील करना है, कैसे फेस करना है, हमें कोई इमोशनल फूल नहीं बना सकता, तो उस तरीके की आपकी सिचुएशन अब आने वाली है कि आप उन लोगों के चंगुल से बचने वाले हैं जो आज तक आपको डोमिनेट करते आए, उल्टा कमांड आपके हाथ में आने वाली है और उसमें आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस, प्रीवियस मैच्योरिटी का पूरा यूज करने वाले हैं, तो ईश्वर आपको बहुत बहुत सपोर्ट करेगा। बचने वाले हैं जो आपके ऊपर नजर रखे हुए थे, जो आप
रिलीज आपको मिलने वाले हैं, आपका लोन चुक जाएगा, आपको उतना धन मिलना शुरू हो जाएगा कि आप लोगों को भी हेल्प करें। और मेरी तो ये गाइडेंस रहेगी कि आप प्लीज़ लोगों को चैरिटी भी कीजिए, जिससे आपके जो आपको ईश्वर हेल्प कर रहा है तो क्यों ना हम लोगों की मदद करें, और लोगों की नज़र से तो आपका बचाव हो ही रहा है। प्रॉपर्टी ले सकते हैं, आप अपना घर ले सकते हैं, आप घर का रेनोवेशन करा सकते हैं, आप सिटी कंट्री या अपना जॉब कुछ भी पॉजिटिवली चेंज कर सकते हैं। वो आपको आशीर्वाद के रूप में देवी माँ लक्ष्मी माँ आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट कर रहा है कि एक एक करके अब आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली हैं। डे टू डे लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है, बहुत बार हमें ऐसा लगता है ना, आज ट्यूबलाइट खराब हो गई, शाम को मालूम चलेगा एसी खराब हो गया, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठे तो लगा जी आज तो पंखा भी नहीं चल रहा है। तो ये तो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। मान लीजिए हमें ऑफिस जाना है, कैब भी नहीं मिल रही, बस भी नहीं मिल रही, मेट्रो का भी लेट हो गए हैं, तो वो जो हौच पौच वाला टाइम होता है ना, वो लाइफ में ऐसा रहा कि हाँ हमें बहुत बहुत स्ट्रगल था, बट अब वो टाइम आ गया है, वो मैसेज आपको मिल रही है कि आपकी लाइफ से स्ट्रगल खत्म हो गया, एक एक करके आपकी सभी प्रॉब्लम्स दूर हो रही है, और ऐसा नाम आपका होने वाला है। ब्लेसिंग के रूप में आपको ऐसा नाम होने वाला है कि लोग देखेंगे कि हाँ इस बंदे ने बहुत मेहनत की थी और अब उसको उतनी ही सक्सेस मिल गई है। ब्लेसिंग के रूप में ये आपको आपके घर से आपके रिश्तों से जुड़ाव को भी इंडिकेट कर रहा है। कोई भी ऐसी खुशखबरी जिसमें आपके घर में गेट टुगेदर्स लगातार होने के चांसेस हैं, या आप गेट टुगेदर्स में इन्वॉल्व होंगे, ऐसा कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण चेंजेस